गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार की बात है, एक साधु बाबा अपने शिष्य के साथ कहीं भ्रमण पे जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी पहाड़ी मिली, जहां उन्होंने देखा एक व्यक्ति रहते हैं। शाम हो चुका था, अतः साधु ने वहीं पर विश्राम करना उचित समझा। रात में खाने के समय जब किसान और इन साधु के बीच वार्तालाप आरंभ हुई, तो साधु ने पूछा, आपका भोजन यापन कैसे चलता है? तब उस व्यक्ति ने बताया, मेरे पास इतनी बड़ी खेती है, लेकिन मैं खेती करता नहीं, क्योंकि मेरे पास एक भैंस है और वह लगभग 20 लीटर दूध देती है, और उस 20 लीटर दूध को मैं बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किसी तरह कर लेता हूं। बात बीती, रात हुआ, सारे लोग सो गए। साधु बाबा सुबह उठे, अपने शिष्य के साथ निकलना घर से निकलने के लिए तैयार हो गए। बिना किसी को उठाए हुए वो दोनों निकले। सबसे पहले उन्होंने वो जो भैंस थी उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। पहाड़ी डेट मीन्स माउंटेन या डोंगर आप कह सकते हैं, महाराष्ट्र में डोंगर बोला जाता है। तो पहाड़ी से उस भैंस को नीचे फेंक दिया और आगे बढ़े। तब शिष्य ने कहा, जो गुरुजी इन्होंने तो रात में अपनी इतनी अच्छी खातिरदारी की थी, तो फिर इस भैंस को आपने पहाड़ी से नीचे क्यों फेंक दिया? अब इनका रोजी रोटी कैसे चलेगा? गुरुजी ने बोला, इंतजार करो। और फिर वो दोनों चले गए। समय बीता, काल बीता, लगभग 3 या 4 साल के बाद पुनः उस कुटिया में वो साधु और उनके शिष्य पहुंचे, तो उन्होंने देखा वहां पे कोई भी कुटिया है ही नहीं। वहां पर एक बड़ी आलीशान बिल्डिंग है, बंगला है, चारों तरफ गाड़ियां लगी हुई है, नौकर चाकर काम कर रहे बहुत सारे गार्डनर्स। तो वो शिष्य ने पूछा, जो आखिर वो लोग कहाँ गए? तब उसने वहां के चौकीदार से बातचीत की और कहा, मैं मालिक से मिलना चाहता हूं। जब मालिक को उसने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यह वही व्यक्ति था जिसने इन्हें रात में अपने घर पर रोका था और खिलाया था। उसने बोला, बाबा आप जिस रात गए उसी रात न जाने कैसे मेरी भैंस कहां चली गई पता नहीं चला, और उसके बाद मेरे पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था। फिर मैंने यहां पर खेती आरंभ की और आज यह परिणाम है। फिर वहां से जब निकले तो उनके शिष्य ने गुरु से बोला, मुझे मालूम नहीं था कि आपके द्वारा भैंस को पहाड़ी से गिराने के पीछे क्या राज्य है। वास्तव में बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आसपास बहुत सारी होती है, लेकिन एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी रोजी रोटी के कारण हम उन सारे अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाते और पूरी जीवन कोसते हुए या फिर किसी को गाली देते हुए जीवन या को अंत कर देते हैं। सोचें, कहीं ऐसी कोई भैंस आपके जीवन में भी तो नहीं है? अगर है तुरंत खत्म करें, क्योंकि आपका यहाँ आना या यह जीवन केवल भैंस के दूध पर निर्भर नहीं है, आपको और भी बहुत कुछ करना है। अन्यथा मर्जी आपकी, केवल जीना चाहते हैं या फिर क्रांतिकारी कार्यों को कर एक नया सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं। जय हिंद।